स्वीटी। हाँ मैं स्वीटी। तो घबराओ मत, क्या हो गया? प्लीज भैया मुझे। अरे अरे क्या बोलूं मैं, कोठे पे रहती है और क्या करती है आपको खुद पता होगा। वो आ गया, देख लो। तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं गई ना, मैं अपने आप को मारूंगा। कोई भी नहीं रहने देगा मेरे साथ तुम्हें, चांस समझा करो। मैं एक कोठे वाली हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊं भैया, यार तुम समझा लो भैया। मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ यार। आँखों ने देखी है सुबह। स्वीटी। हाँ मैं स्वीटी। तो घबराओ मत, क्या हो गया? प्लीज भैया मुझे। अरे अरे रुको, रो मत प्लीज भैया मुझे बचा लो। रो मत, मेरी बात सुनो, रो मत बहन। चुप हो जाओ, पहले बैठ के बात करते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। उठो उठो उठो, बैठ के बात करो प्लीज। आपको क्या हो गया? पानी लाऊं? पानी पियोगे? एक मिनट रुक जाओ आप। रो मत आप, ठीक है? पानी पी लो आप, पानी पी लो ठीक है। देखो घबराओ मत, आप यहाँ पे आए हो ना, आप एकदम डरना नहीं है, ठीक है ना? ठीक है भैया। क्या हुआ, नहीं पियोगे? नहीं, प्यास नहीं है। ठीक है, देखो बहन घबराना नहीं है बिल्कुल। आप देखो पब्लिक प्लेस पे हम लोग, जो भी चीज़ें हुई है आपके साथ वो हमको पता है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना मैं क्या करता हूँ। हाँ भैया मुझे पता है। वहाँ देखो सामने, उधर वहाँ देखो, ठीक है ना? कैमरे लगा हुआ है आपको, मैंने जैसे आपको मैंने जो शर्त रखा था उस शर्त पे रेडी हो ना? ठीक है भैया। पक्का ना? हाँ। आप मुझे एक एक चीज़ बताना, मैं आपसे पूछूंगा, पहले हम लोगों से बात करते हैं, हमारे जो व्यूवर हैं लाखों लोग, अब वो तय करेगा आपकी ज़िंदगी कैसे आगे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? आप घबराओ मत, एकदम बेफिक्र हो जाओ। आप भैया बोले हो उस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लो, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मासूम और हमारे साथ जो है बैठी हुई यहाँ पे स्वीटी है, और स्वीटी नॉर्मल लड़की नहीं है जो आप देखते हैं रोडों पे, सड़कों पे, आपके घर में, जो आप फैमिली मेंबर, जो भी लड़कियां औरतें होती है उससे कहीं ऊपर। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है इसने, तो मैं इसके बारे में एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा। और ये लड़की पैसे से, क्या बोलूं मैं, कोठे पे रहती है और क्या करती है आपको खुद पता होगा। रो मत बहन, देखो हम समझ रहे हैं ये चीज़ आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैं चाहता हूँ एक एक चीज़ आप खुल के बताओ। स्वीटी, आपकी ज़िंदगी इस तरह एक कोठे पे रहना, एक वैश्या वाला काम करना, मुझे बोलने में बहुत ख़राब लग रहा है। मैं वो समाज का मर्द हूँ, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है इसमें कि आप उस जगह पे गए हो हम जैसे मर्दों की वजह से। बाकी आप एक एक चीज़ स्वीटी बताओ, क्या हुआ था, आप शुरू से बताओ, आप इस जगह कैसे पहुंचे और आप मेरे पास यहाँ आए हो, क्या रीज़न है, बताओ पूरी बात, खुल के बताना, डरना मत, ठीक है? बताओ क्या हुआ था। मेरे माँ बाप तो है ही नहीं। हाँ। मैं मामा के साथ में रहती थी, लेकिन मेरे मामा ने लाकर मुझे पैसे के करते, वो मामा मेरे शराबी थे। हाँ। कुछ पैसों के करते मुझे लाके, आपके माँ बाप मतलब बचपन में ही चले गए, मुझे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, मुझे ये नहीं पता, ठीक है? पर इतना पता है मैं मामा के साथ रहती थी। आप कोठे पे जो गए, कितने साल था उस समय, कितना उम्र था आपका? मैं फिर भी थी 16-17 साल का। 16 साल में आप फिर मेरे कितने पैसे में बेचा था आपके मामा ने? ये मुझे नहीं पता, बस तो पता चला होगा ना बड़े होने पे। हाँ, 6-7 लाख में कानून बेचे थे कि कितने में, इतना ही मुझे पता चला था। बस मेरे मामा लाके और मुझे कोठे पे बेच दिए, तब से मैं कोठे पे थी। अभी कितना साल हो रहा है आपका एज? अभी तो हो गया मेरा 21 साल। यानी 5 साल से आप कोठे पे हो। रो मत, मुझे भाई बोली है ना, तो रो मत, तेरा भाई तेरा हेल्प करेगा। आगे बताओ क्या हुआ। फिर मेरे को एक लड़का से वहाँ पे मुलाकात हुआ, वहीं पे आया था। हाँ, कस्टमर बनके, ठीक है?
पर पता ना उसको मेरे लिए क्या हुआ उसके दिल में, मुझे नहीं पता चला। पर वो मेरे साथ कुछ उस दिन नहीं किया गलत, बोला जितना भी पैसा लगेगा मैं यहाँ से तुमको लेके चलेंगे। क्यों क्यों लेके जाता है? पता नहीं, फिर बाद में बताया तेरे से मेरे को प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, आप भी प्यार करते थे उससे? सच बताना स्वीटी, मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। अच्छा, आता था मेरे से मिलता था, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं करता था वो बंदा। अच्छा, फिर वहाँ से निकालने के लिए मुझे 5 लाख रुपया वहाँ पे दिया। हाँ। फिर मेरे को वहाँ से निकाल के लेकर आया। फिर अपने घर लेकर वो मेरे को गया। लेकिन उसके घर वाले ने मेरे चलते उसको बहुत मारा, बहुत ज्यादा। मतलब आपको वहाँ पे 5 लाख रुपए वो कोठे पे दे के आपको छुड़ाया, छुड़ाया, फिर वो आपसे शादी करने के लिए अपने फैमिली से मिलवाने ले गया और उसके फैमिली ने ही उसको मारा, बहुत मार मारा। ये फिर मेरे से देखा नहीं गया मेरे चलते। क्या नाम बताया था? रोहित। रोहित नाम है उसका। वो कहाँ है अभी? कहीं कहीं दर दर भटक रहा है मेरी यादों में। आपको कैसे पता चला कि वो उसकी हालत ऐसी हो गई है? उसके दोस्त आया था कोटे पर तो फिर बताया, क्योंकि फिर मैं उसी जगह पे चली गई जहाँ से वो मेरे को निकाला था। उसको नहीं पता था कि? नहीं, उसको नहीं पता। अभी अभी कितने दिन पहले कोटे पर से भागे हो? अभी मेरे को ज्यादा दिन नहीं हुआ, 6-7 दिन हुआ भागे हुए वहाँ से फिर से। रोहित के लिए? हाँ, रोहित के लिए मैं फिर दोबारा वहाँ से भाग के आई हूँ। मतलब आप आज क्या चाहते हो? आप उसे उसके साथ वापस जाना चाहते हो या उसको समझाने आए हो? क्या चीज़, क्या है आपकी कहानी? मैं उसे आगे समझाऊंगी, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। आप नहीं, उसके साथ नहीं रहोगे? नहीं, मैं अगर नहीं समझेगा तो मैं उसी के साथ रहूंगी, मुझे उस जल जिंदगी नहीं जीना है फिर से। ठीक है मैं उसको पर उसको बुला लीजिए एक बार प्लीज। उसको देखो कुछ नहीं पता है, आपने नंबर दिया तो मैंने कॉल नहीं किया उसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें उसको अचानक से पता चले, बिलीव करे। ठीक है, देखो मैंने कॉल उसको नहीं किया, तुमने मुझे नंबर दिया, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम उसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तुम एकदम क्या बोलूँ मैं। हेलो। हाँ, रोहित बोल रहे हो? हाँ भाई। आप कहाँ हो अभी? मैं घर पे हूँ। मैं कह रहा था कि आप स्वीटी को जानते हो क्या? हाँ जी, आप कैसे जानते हो? आपको मिलिए क्या? देखो भाई, जो भी चीज़ें मैं आपको मिलने के बाद ही बता सकूंगा। आप अभी मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, आ सकते हो यहाँ पे? बिल्कुल, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। हेलो हेलो, रोहित। रोहित, हाँ, कहाँ हो तुम? कहाँ, आपके ओके हो यार? आप जल्दी आ जाओ प्लीज, नहीं आओगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। जल्दी बताओ, वो कैसे बताओ कहाँ पे आना है? लोकेशन मैं भेज रहा हूँ भाई, जल्दी आ जाना। ठीक है भाई, जल्दी भेजो भाई, जल्दी भेजो, मैं आ रहा हूँ। देखो, घबराना नहीं, उसका आने का हम इंतजार करेंगे। ठीक है ना, एकदम मत घबराओ, शांत हो जाओ। ठीक है ना, अब एकदम बिल्कुल शांत हो जाओ। मेरे लिए वो पागलों की तरह घूम रहा है। कोई बात नहीं, अब एकदम शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। ठीक है ना, बाकी दोस्तों आपको उसके मिलने के बाद ही बात होगी, प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहो। वो आ गया, देख लो। नहीं ढूंढा, तुम मेरे को कहीं नहीं मिली, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। प्लीज मुझे माफ कर दो रोहित, तुमने मेरे को ऐसे कोई जाता है क्या छोड़ के? मैंने ही कॉल किया था। तुम ऐसे कहाँ गया वो भी तो तुमने ना कुछ बताया ना कुछ। प्लीज रोहित मुझे माफ कर दो, बिना बताया चली गई तुमसे। तुम मेरे से एक बार कहती तो सही, मैं घर वालों को छोड़ के तुम्हारे साथ चल लेता, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें छोड़ने के लिए तुमने लेके आया था तो अपने घर में तुम्हें तो। अभी क्लियर कर लो आप लोग, ठीक है भाई? साल बाद मिला हम, इमोशनल होगा, लेकिन भाई जो भी चीजें क्लियर करना, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? आपकी बहुत मेहरबानी भैया, आपने मेरे को मिला दिया इससे। क्या बताऊं, तुम ऐसे चली गई मेरे को छोड़ के, मैं पागल हो गया था तुम्हारे पीछे। माफ कर दो, तुम क्यों चली गई थी मेरे को छोड़ के? मेरे को ये बताओ ना, तुम बताती तो सही मेरे को, तुमने बताया नहीं बताया मेरे को? नहीं बताया ना मेरे को? नहीं बताया तुमने? मेरी बात तो सुनो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ यार तुम्हारे बिगड़। प्लीज मेरी बात सुनो, बस मैं बहुत मुश्किल से तुमसे मिलने आई हूँ, प्लीज। चलो मैं प्लीज।
तुम एक कॉल कर देती, तुम मेरे को एक बार तो कर देती, लेकिन नहीं करा तुमने, तुमसे कॉल भी करा नहीं दिया ना मेरे पास, तुम भी बेवफा की तरह भाग के चले गई। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो प्लीज, प्लीज तुमसे एक रिक्वेस्ट है रोहित, प्लीज मेरी बात को जोड़ो, हाथ मत जोड़ो मेरे सामने, प्लीज तुम अच्छे से रहो लाइन में प्लीज। अब तुम आ गई हो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मैं अपने घर लेके चलूंगा, ठीक है? तुम मेरे साथ चलोगी बस। नहीं रोहित नहीं, जैसे मत बोलो तुम, मेरे साथ चलोगी तुम? नहीं, मैं तुम्हारे बिगैर बिल्कुल नहीं रह सकता, एक पल नहीं रह सकता, मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया तुम्हारे पीछे, पता है? तुम बात को समझो मेरी, मैं सब समझ रहा हूँ, मेरे को बस तुम चलोगी मेरे साथ, हाँ अपन भाग चलेंगे, कहीं भी रहेंगे, मैं घर वालों को छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं तुम मेरे साथ चलोगे, इस दलदले में नहीं रख सकता यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, समझो मेरी बात। देखो रोहित तुम जैसे पहले रहते थे वैसे रहा करो, अपने फैमिली के साथ रहा करो प्लीज। नहीं तुम मेरी बात समझो, तुम मेरे साथ चलो बस। नहीं तुम समझो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रह सकता, मेरे को बहुत तुम्हें इतना फील होगा जितना मेरे को ज्यादा होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी भी बात समझो तुम प्लीज। क्या समझू तुम्हारी बात, क्या समझू क्या समझू, बताओ तुम मेरे साथ घर चलोगी बस, मैं नहीं चाहता, बस मैं नहीं जानता कुछ, तुम मेरे साथ चलोगी बस। अरे रोहित समझा करो। अरे मैं पागल हूँ क्या तुम्हारे चक्कर में, देखो मैंने अपनी क्या हालत कर ली है, मैंने क्या करी, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी तुम्हारे चक्कर में, कितने नशे अपनाए, ये देखो मेरी हालत कैसी, तुम पहले था कभी मैं ऐसा, था कभी ऐसा मैं ऐसा, तुम नहीं मेरे साथ चलोगी बस। नहीं रोहित मेरी बात समझा करो, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी, नहीं गई ना मैं अपने आप को मारूंगा, नहीं मैं अपने आप को मारूंगा, मेरे साथ चलोगी बस, नहीं नहीं तुम मेरी बात को समझो ना यार, मेरी बात समझो प्लीज यार, मैं तुम्हारे लिए नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ यार, प्लीज तुम समझा करो। देखो रोहित तुम मेरी एक बार बात तो समझो, मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे चक्कर में, तुम मेरी बात समझ लो ना यार, प्लीज समझ लो मेरी बात, प्लीज तुम समझो। देखो ऐसे मत बोलो, देखो एक बार मेरे साथ तो देखो, तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल लो ना, फिर क्या है मेरे साथ, नहीं क्यों नहीं चल सकती, मैं नहीं जा सकती, तुम्हें कोई भी चांस नहीं रहने देगा, क्या वजह है, कोई भी नहीं रहने देगा मेरे साथ तुम्हें चांस, समझा करो, मैं एक कोटे वाली हूँ। नहीं हो तुम, ये बात ना दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, तुम मेरी बीवी हो, बीवी रहोगी, तुम समझो रोहित, पहले यहाँ पे बैठो आराम से, देखो तुम मेरी बात को पहले समझो, देखो तुम समझो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, देखो पिछली बार गए थे ना तुम्हारे साथ, क्या हुआ, हाल हुआ तुम्हारा, तुम्हारे घर वाले भी नहीं अपना रहे, मैं वो सब भूल चुका हूँ, अब तुम मेरी लाइफ में आई हो, अब अपन नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे, तुम ये सब काम छोड़ोगी, मेरे साथ चलोगी बस, ठीक है? तुमको कोई भी दुनिया वाले तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे, तुम समझ नहीं रहे, बताएगा कौन, इस शहर छोड़ के अपन बाहर चलेंगे ना, यहाँ रहेंगे ही नहीं अपन, तो कौन बोलेगा अपन को गलत, कोई नहीं बोलेगा, तुम मत टेंशन लो, कोई नहीं बोलेगा। तुम्हें नहीं पता यार तुम्हारे बिगर में मेरी क्या हालत हो गई है। तुम समझा करो यार, तुम मेरे साथ चलोगी बस, मेरे साथ चलोगी नहीं। देखो मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे साथ चलोगी बस, मैं तुम्हारे साथ। अरे तो क्यों मेरे साथ घर बसाया था फिर, मैं पागल हूँ तुम्हें, यहाँ मैंने अपनी बाप की एफडी तोड़ के तुम्हें यहाँ पैसे दे के वहां से निकाला इस दलदल से, तुम मेरी कुछ अहमियत ही नहीं समझते हो मेरी लाइफ में यार, मेरी बात को समझा करो यार, तुम समझ नहीं पा रहे। मैं तुम्हारे चक्कर में किस किस से नहीं लड़ा तुम बताओ ना, मैं किस किस से नहीं लड़ा, घर वालों से लड़ा, अपने बाप भाई माँ बहन किसी को नहीं छोड़ा मैंने, ऐसा तुम्हारे चक्कर में, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। अरे मुझे पता है, और तुम्हें कोई कदर ही नहीं है, तुम आई क्यों थी फिर, अगर नहीं आना था मेरे साथ तो तुम यहाँ आई क्यों और मुझे बुलाया क्यों यहाँ पे फिर। देखो रोहित तुम ऐसा मत बोलो प्लीज, एक बार मेरे आंखों में देखो, मैं लग रही हूँ सर, देखो तुम समझा करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मैं इसलिए आई, जैसे तुम मैं और पागल हो जाऊंगा तुम्हारी, अगर तुम चली गई मैं पागल हो जाऊंगा यार, समझो ना मेरी बात, तुम मेरी बात समझो, तुम पहले की तरह रहा करो, मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ, और मुझे वहीं पे जाने जहाँ पे मैं रहती हूँ। नहीं वहाँ चलेगी तो तुम, मैं पागल, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा अगर तुम वहाँ, तुम्हारा उसने नाम लिया तो उस जगह का,
मैं मेरे को नहीं पसंद वो जगह यार, तुम समझो ना मेरी बात। तुम ऐसे मत करो प्लीज, तुम अच्छे से रहो प्लीज। उस जगह का नाम मत लिया करो ना तुम मेरे सामने। उस जगह भेजना होता तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आता क्या? नहीं लेके आता तुम्हें, बिल्कुल लेके नहीं आता। अगर तुम्हें वो जगह पर वो है तो फिर प्लीज एक बार मेरे को समझने की कोशिश करो यार। मैं समझ रहा हूँ, तुमने मेरे को यहाँ पे बुलाया, तुम मेरी लाइफ में दोबारा क्यों आई हो? क्यों आई हो मेरी लाइफ में? तुम मेरी लाइफ में दोबारा क्यों आई हो फिर यार? मैं इसलिए आई हूँ कि तुम अच्छे से रहो, इसलिए मैं तुमसे एक बार मिलने आ गई। प्लीज मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, डिप्रेशन में आ जाऊंगा बता रहा हूँ, फिर मैं पागल हो जाऊंगा यार। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊं भैया यार, तुम समझा लो भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ यार। यार भैया इसे समझाओ ना, तुम इसे समझाओ, मेरे साथ चल ले, बस मेरे साथ चल ले। प्लीज भैया इसे समझाओ, इसे तुम शांत हो जाओ। क्या चाहती हो वैसे ही मरे चाहती हो, मर जाए वो, नहीं चाहती हो खत्म हो जाता है। नहीं भैया ऐसे मत बोलो, अभी मेरी लाइफ से भी मैं फांसी लगा लूंगा भैया, मैं जहर खा लूंगा मैं, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ से नहीं जाऊंगा बस। शांत होगा, तुम चाहते हो ना इसको पाने के लिए, तो एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत। अच्छा बच्चा है ना, बता क्या करना है, उसके साथ रहोगे हाँ या ना? भैया आप समझे करो प्लीज, बता हमको क्या समझाना चाहते हो। भैया मैं इसके साथ रह तो सकती हूँ पर दुनिया वाले रहने नहीं देंगे। दुनिया वाले का ना, तुम्हें दुनिया से दूर रखूंगा, जहाँ पे तुम्हें कोई नहीं जानता। बोलो रखोगे भाई? मैं अलग शहर में ले जाऊंगा, मैं अलग दुनिया बचाऊंगा इसके साथ, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा मैं भैया। अब दूसरा प्रॉब्लम बता, क्या प्रॉब्लम है रहने? ये अपने फैमिली को छोड़ के जाएगा, मैं तो मेरा एक फैमिली नहीं है। एक टाइम पे मान जाता है फैमिली, एक टाइम पे मान जाता है, तुम्हें अपने भैया मुझे बोल रही हो, अगर भैया बोल रही हो ना तो मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ खड़ा, तुम्हें कोई छू नहीं सकता है। आप समझ नहीं रहे, मेरा फैमिली नहीं है तो मैं समझती हूँ ना फैमिली के क्या अहमियत होता है लाइफ में। मैं हर चीज का सुख दूंगा तुम्हें, मैं हर चीज का सुख दूंगा तुम्हें यार, तुम मेरी बात समझो ना। एकदम चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ, फिर हम चाहते हैं आराम से बात करें, ठीक है? अब मैं भाई को मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? भाई शांत हो जाना, मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, गुस्सा मत करना, ठीक है? वहाँ सामने देखो, उधर सामने देखो, सामने भाई सामने देखो, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरे लगवाई है इसलिए ताकि ये दुनिया को ये दिखा सके कि ये जो कर रही है मजबूरी में कर रही है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। डेट्स वाई तुम्हें यहाँ पे लाया गया है, ताकि तुम इसे पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो और इसे कहीं और ले जाके बसाओ। रेडी हो तुम दुनिया के सामने बोलने के लिए? मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं घर वालों को छोड़ सकता हूँ इसके पीछे, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकता मैं। आप बताओ छुट्टी क्या करना है, ये तो एक्सेप्ट कर लिया, आप बताओ, तुम बताओ, तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करना चाहते हो बताओ। बस मैं भी इसके साथ तो रह लूंगी, बस इसका फैमिली की वजह से और ये पूरी समाज की वजह से मैं पीछे। समाज तो देख रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, समाज देख रहा है, आगे बताओ और कोई प्रॉब्लम नहीं? बस फैमिली से दूर हो जाएगा, लेकिन अगर फैमिली मानेगा रोहित तुम अपने फैमिली के साथ रहोगे। भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, वीडियो बन रही है अभी भी, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने घर वालों को बनाने की, यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रही है सारी बातें, मैं अपने घर वालों को बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस समाज का डर है ना तुम्हें, वही समाज तुम्हें एक्सेप्ट करेगा आज, लगा लो मेरे से सब, नीचे अच्छे कमेंट होंगे। नहीं कर पाते, लेकिन हम कह रहे ना, मैं ये शर्त मैं दे रहा हूँ, अब भी तुम इधर उधर जो भटक रही है, छह दिन से भागे भागे फिर रही है ना, आज तुम इसके साथ रहोगी। बोलो जाने के लिए रेडी हो? बोलो इससे, बोलो। मैं वादा करता हूँ, मैं सब कुछ तेरे चक्कर में छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, सब छोड़ दूंगा मैं, लेकिन ये मेरी लाइफ से दोबारा नहीं जानी चाहिए। कैसे हालत कर रहे हो, साथ रहोगे क्यों होगा इसकी हालत खराब? बस साथ रह के देखो, हो सकता है हालत ठीक हो जाएगी इसकी। ओके रहोगे इसके साथ आप? पक्का? पक्का। उठो अब। भाई देख, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ रोहित, मैं ये वीडियो अपलोड इसलिए करना चाहता हूँ ताकि तुम
मुझे ये भैया बोले, ठीक है ना, इस बात का मैं मुझे गर्व है, फख्र है कि एक लड़की को तुम उस दलदल से निकाल के अपनी बीवी बनाना चाहते हो, उस लड़की को उस दलदल से निकाल के अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, पूरी जिंदगी जीना चाहते हो। तुम रहोगे ना इसके साथ, छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के कभी जाने नहीं दूंगा इसको अपनी लाइफ से। ठीक है, बाकी मैं कोई दिक्कत होगा मुझे कॉल करना, नंबर है ना? आप तो यार भैया क्या बताऊँ, आप ही ने मेरा सब कुछ करा है, बस जो करा हूँ तो आपने मेरी लाइफ बनाई है। मेरा नंबर सेव कर, बाकी कोई दिक्कत होगा तो मैं मिलता हूँ, जाओ। फिर से यार धन्यवाद बस आपका, थैंक यू भैया। कोई नहीं छोटी, थैंक यू।